वर्तमान समय देश में स्वतंत्रता सेनानियों की कमी होती जा रही है। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कदम से कदम बढ़ाकर क्रांति का आगाज किया था, किंतु देश में आज़ादी के बाद क्या होना था और क्या हो गया। जी हाँ, वर्तमान राजनीति पर उन वीरों की आत्माओं को लज्जा आ रही होगी लोकतंत्र के गिरते आंसू देखकर। चलो, ये थी इतिहास की बात। किंतु मंगलवार को जब अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के लिए कवरेज करने पहुंचे थे, तो वहां उनकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से हुई जिन्होंने अपना परिचय एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में करवाया। जी हां, ये शख्सियत थे 98 वर्षीय श्री ललती राम, चेयरमैन हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी। अर्थ प्रकाश जी ने तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे हम कहते हैं कि बुज़ुर्ग सरमाया होते हैं न्यू जनरेशन का, और हमारे बीच में एक ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो फ्रीडम फाइटर भी हैं, और ये हमारा सौभाग्य भी है अर्थ प्रकाश का कि आज हमारे बीच में श्री ललती राम जी, जो चेयरमैन हैं फ्रीडम फाइटर यूनियन के। ललती राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका। अच्छा, ये जो आज का जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, जो आपके ज़माने में लोकतंत्र था, उसमें क्या फ़र्क लगा आपको? क्या जो लोकतंत्र आज चल रहा है, राजनीति चल रही है जो आज, वो आपके ज़माने में क्या फ़र्क है दोनों में? सारा फ़र्क से क्या क्या फ़र्क लगा आपको? कुछ भी कोने। अच्छा, जैसे आपने संघर्ष किया अंग्रेजों को बाहर से, अंग्रेज भूल गया दिमाग, कैरो का राज था। हाँ जी, जब कैरो तो मिल लिया था। अच्छा जी, ये भी बोल लिया था तेरा कही बोल लू, कैरो का राज पास हरियाणा नारा नारा पार्टी है, भगवत दयाल चीफ मिनिस्टर बनिया था, हरियाणा अलग वो अलग। तो जिसके लिए, जिस देश के लिए आपने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, क्या आप इस आज़ादी से संतुष्ट हो जो आजकल हो रहा है? ना, बिल्कुल नहीं। ना, जैसे आपने देख में आया कि डेमोक्रेसी, उस दिन तो 1% भी संतुष्ट नहीं। क्या कारण है जिसको आपको ये आज मजबूरन कहना पड़ा? इस यहाँ पर जैसे संविधान दिवस मनाया जा रहा है, तो उस संविधान दिवस के ऊपर आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि हम इस आज़ादी से संतुष्ट नहीं हैं, इसके पीछे क्या कारण है? उसके कारण ये है, अग्नेता जी ये मर्यादा खाया जापान अंग्रेज के इंग्लैंड, तो मरिया नहीं, हवाई जहाज में जड़े और झूठा बताया। आपने नेताजी की बात किया, आज नेताजी के भी कथन बहुत बड़े याद आ रहे हैं कि नेताजी ने ये कहा था कि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, आपको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, वो कथन आज कहाँ तक सार्थक है? आज डेमोक्रेसी लोकतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की शरण में पहुँच चुका है। 1% भी नहीं, ना तो पंजाब हरियाणा में न्यारा हुआ जो हरियाणा में आ गया, भगवत दयाल चीफ मिनिस्टर बन गया था, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इस बात तो संतुष्ट नहीं हूँ कि जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस हारा था जापान में मारा था बम, उस वक्त हरवा नहीं थी जापान में, जापान आई साथ में रखी हिंदुस्तानी राज में रखी राज कर। अच्छा, आप मुझे लगता है कि नेताजी के काफ़ी फॉलोअर रहे हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, लेकिन ये भी सबसे बड़ी बात आ रही है कि जब हमारी आज़ादी होनी थी, मिलनी थी, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने साइन भी किए थे अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा मिलते हैं तो ब्रिटेन ने कहा था उनको हमें वो बचा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने टेररिस्ट घोषित किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आप इस बात को किस तरह लेकर जा रहे हो? मैं समझा नहीं, जब देश आज़ाद हुआ था, जब हस्ताक्षर कर रहे थे, जो ब्रिटेन जा रहे थे वापस, उस समय उन्होंने साइन किए थे उस समय कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी शर्त थी ब्रिटेन की, अगर आपको मिलते हैं तो आपको वापस करने पड़ेंगे ब्रिटेन को, वहाँ पर भी सिग्नेचर किए हैं, तो उस बारे में क्या कहोगे आप? उस बारे में यह कहूँगा मैं कि आइए सुभाष चंद्र बोस
मरिया दिखा दी है, हवाई जहाजों दल की मर गई है। एक तो उस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा जी, जो मेरा फौज के आगे खड़िया और भाषण दिए और बाहर रोड़ा पर वही देना मरिया दिखा दिया अक्सुवास हवाई जहाज मंजर की मरीगी है, तो मन नहीं बताओ जो तू मेरा धोरा बैठे है मैं तेरी क्यों करा करूँ। अच्छा, आपने ये बात बहुत दिल की बात कही है आपने। अब आपको पूछा है, आपने हरियाणा देखा है नीचे से ऊपर चलते हुए, आपने युवा युग भी देखा होगा चौधरी देवीलाल जी का, जिन्होंने राजनीति में जोड़ तोड़ को बिल्कुल अलग किया, उन्होंने बिल्कुल नहीं माना, ठीक है। आज की डेट में जो जोड़ तोड़ हो रहा है, जो गठबंधन हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं उसके बारे में क्या कहूँ, इस बारे में तो ये जाने जो राज जाने के कर रहे हैं। आपका भी अधिकार है, क्योंकि आपका भी योगदान रहा है देश को आज़ाद कराने में, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी व्यक्तिगत राय क्या है कि ये जो गठबंधन है, ये क्या गठबंधन है? ये गठबंधन ये तो या बात तो बताओगा चीफ मिनिस्टर क्यों करता लगा, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। जो आ रहा ठीक आ रहा है, इन लोगों का काम नहीं कर रहा तो हरा दिया वो जता दिया वो तो बुद्ध की कुतुब। मेरा मतलब ये उस है कि नेता जी क्यों ना जिमता देखा था उड़ा की जेड़ में करकत्ता आया, हम करकत्ता मेरा बयान देख रहे हो। अच्छा जी, उड़े मैंने ये बयान दिया था कि नेता जी जिंदा है। अच्छा, मरिया नहीं है, यह याद कहूँ जिंदा है मरिया नहीं, आज भी आना मरूँ मर गया को मर गया साबुत दो तसली हो। जब अंग्रेजा ने मांगा था, कई साल मांगा था, मेरे याद नहीं, कितना साल तक जो मारा मुलजम होगा वो मारा पेश करना। हाँ बिल्कुल, वही मैंने बात की थी आपसे मैंने। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने पहले मुझसे पहले इन मरिया दिखा दिए, वो तो साल आवड़ा था उससे मरिया दिखा दिए। उसके बाद दो बार चार बार जकर भी हुआ, जकर होने के बाद नहीं पार पड़ी, पार्लियामेंट से पास कर दिया, क्या करें। तो आप ये मांग करते हो सरकार से कि नेताजी वाली फाइल खुलनी चाहिए? हाँ, कि ताकि लोगों को ये पता चल सके कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्या हुआ, किन परिस्थितियों में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, किन परिस्थितियों में उनको देश से बाहर जाना पड़ा। क्या आप चाहते हो कि वो फाइल केंद्रीय सरकार खोले? सरकार या तो खोल रही है, मोदी तो खोल रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, पर लेकिन सर्वसम्मति से पास हो गया, मर्यादा दिखा दिया उसका के इलाज। तो भाइयों बहनों, आपने देखा कि आज के युग में जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज के लोकतंत्र से वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उन्होंने आज देखा स्पष्ट कह दिया कि हमारा जमाना फिर भी ठीक था। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी बात है आज के लोकतंत्र जो सर्वोच्च न्यायालय की शरण में चल चुका है, ये प्रश्न है। इन्होंने भी बताया, हमारे बुजुर्गों ने भी, ये ललती राम जी हैं जो चेयरमैन है फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन के, और इनके अंदर एक दर्द भी है। इन्होंने केंद्र सरकार को ये अपील की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइल खुलनी चाहिए, इन्होंने स्पष्ट अपील की है। ये डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।